नाउ आई विल टेल यू द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक. ये मैंने जो बनाया था पिछले ट्यूटोरियल में उसका बेनिफिट. लेट्स सपोज आई एम जस्ट पासिंग फोर क्लास में होते हैं और इसमें हम मेन मेथड पहले बना लेते हैं. तो मैंने फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड अगेन मैं दे सम ऑफ टू लिख देता हूँ जो पहले भी बनाया था. सम ऑफ टू ये बना एक वॉइड. अब इसमें मैंने एक से ज्यादा पैरामीटर एक्स वाई दो पैरामीटर पास कर दिए. मैंने बोला सम ऑफ टू दैट मीन दिस फंक्शन विल गेट दिस मेथड विल गेट टू वैल्यूज. एक होगी एक्स और एक होगी वाई. दोनों ही इंटीजर ही होंगे. इसका काम क्या है, सिर्फ इतना ही करना है. टोटल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड क्योंकि वॉइड है तो मैं यहां पर ही आउटपुट शो करवा दूंगा. दिस टोटल यहां पर ले देते हैं. टोटल इक्वल टू दिस टी. और अब देखो बेनिफिट क्या है. अब मैं सम ऑफ टू में अगर तो दो वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है तो मैं वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकता हूँ और सम ऑफ टू में सिर्फ दोनों वैल्यू पास करनी है. और इसने बोला एक्स और वाई. एक्स वाई मेरे पास है नहीं, मेरे पास ए बी है. तो कहता है कोई बात ही चलेगा. अगर मुझे सम ऑफ टू में कोई डायरेक्ट प्री डिफाइंड वैल्यूज पास करनी तो वो भी कर सकता हूँ. और अगर मुझे वैल्यू फेच करके पास करनी वो भी कर सकता हूँ जैसे स्कैनर के साथ. पहले मैं स्कैनर पहले इसको चला देते हैं फिर स्कैनर वाला लॉजिक भी करवा देते हैं. h4.java नाउ यू कैन सी 22 प्लस 444 इज 466 टोटल आ गया और 11 प्लस 22 33. तो ये एक से ज्यादा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं. क्लियर. और एक और लॉजिक अगर करना तो कर सकते हो. ये ऐसे है स्कैनर क्लास के साथ. ओके तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये दोबारा ना चले. स्कैनर ऑब्जेक्ट इज अ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो सिस्टम इनपुट लेगा देन इंट ए कॉमा बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं. एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर. तो ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट एंड बी विल बी दिस. ठीक है और इसको दो सेकेंड नंबर. और इनका टोटल करना तो मैं डायरेक्टली सम ऑफ टू लिखूंगा और मेरा टोटल हो जाएगा. अब आप सोचोगे कि इतने छोटे से काम के लिए इतना लॉजिक क्यों, अभी बताता हूँ. पहले ये एक बार चला दें. टोटल आ गया. अब लॉजिक ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ टू था. अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन लगाना हो तो वो करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करनी है. जैसे मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे. लेट इट बी चेक द ग्रेटर. तो दोनों में से ग्रेटर कौन है. ठीक है ये सम ऑफ टू हम रिमूव कर देते हैं या ऐसे करते हैं अलग से क्लास बना देते हैं इसको सारा कॉपी करके. फिर मैंने कॉल्ड है टेस्ट 5.java. अब 5 में हम थोड़ा सा ही चेंज करेंगे. ये है कि मैं यहां पर वॉइड मेथड बनाया इंस्टेड ऑफ पैरामीटराइजेशन. मैं एक काम करता हूँ, ये जो कोड है ना मेरा सारा इसको तो उठा कर यहाँ पर लगा देता हूँ. आपको ये समझाने लगा हूँ कि ऊप्स का बेनिफिट क्या है. अब कई लोग सोचते हैं यार जो काम सीधा हो सकता है उसको इतना लंबा झंझट करने की जरूरत क्यों. तो ये देखना बेनिफिट. मैंने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ टू फंक्शन बनाया, उसमें दो वैल्यू फेच की और दोनों का टोटल करने के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके इसको शो करवा दिया. ठीक है अब बेनिफिट बताता हूँ. लेट सपोज मुझे ये एक बार मैंने किया नॉर्मल नॉर्मल में एक बार किया इसको भी फॉर द टाइमिंग रिमूव हम कम नीचे कर देते हैं. तो मैंने दो वैल्यूज का टोटल किया ये मेरा चल जाएगा नॉर्मल से ही चल जाएगा.
बड़ा। अब मेरे को ये अगर करना है कि मेरे को 10 बार ऐसे काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखना क्या होगा, पहले इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, फिर वेरिएबल बदले, वन वन ए वन बी वन, देन द सी वन ए वन बी वन, एंड देन द मॉडिफिकेशन अगेन। एक बार फिर से अगर यही काम करना है तो फिर से कॉपी, फिर से पेस्ट, ए टू बी टू, फिर कॉपी कॉपी, एंड देन मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे को सब कुछ, सबका नाम बार बार बदलना पड़ रहा है, एंड इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अभी तो सिर्फ मैंने 3 ही बार किया है, एंड यू कैन सी ये कि मेरा कितना कोड, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन का कोड एक्स्ट्रा हो, मतलब 2 नंबर को प्लस करना है तो मुझे 7 लाइन का कोड करना पड़ रहा है। और सोचो अगर 10 लाइन का, 10 अलग अलग पेयर का टोटल करना, तो मेरे को 70 लाइन चाहिए, तो वन पेयर टोटल इज टेकिंग 7 लाइन्स कोड, ठीक है। और अगर मुझे 10 पेयर कोड पेयर का टोटल करना है, तो दैट मींस 70 लाइन्स ऑफ कोड हो गया, ठीक है। और मॉडिफिकेशन में भी टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा क्या करें, पहले ये चलाते हैं, देखते हैं इसका कोई फायदा होता भी है कि नहीं, जब वैसे टेस्ट चलो इसे ऊपर ही करो। हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया, लेकिन इसमें मेरी सिर्फ 38 लाइन तक तो मेरे को पहुंच, मतलब 21 लाइन्स का कोड हो गया। लेकिन यही काम अगर मेरे को ऊफ में करना, तो देखो कितना सिंपल है, ये 7 लाइन का कोड तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो 1 लाइन एक्स्ट्रा मान लेते, 8 लाइन का कोड हो गया। हो गया, अब टोटल करने के लिए मुझे सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, सम ऑफ टू, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, मैंने 6 बार चलाया, ये 6 लाइन लिखी सिर्फ। असल में क्या होता है, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, ये इस सारी लाइन दोबारा से चल जाएंगी, लिखनी नहीं पड़ेंगी, इसको चलाऊंगा ये वाली लाइन फिर से अलग से दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो फंक्शन का बेनिफिट ही है, कोड एक बार करो, चलाओ जितना दिल करता उतनी बार, अगर इसको मैं लूप में लगा दूं तो ये इससे भी ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। मतलब ऊप्स का कंसेप्ट है, आपका टाइम बचाता है, 1 बार टोटल, 2 बार टोटल, 3 बार टोटल, 4 बार टोटल, 5 बार टोटल, 6 बार टोटल, आप देखो। और अगर मेरे को 20 बार भी करना, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक लूप चला सकता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। वैसे इतना बड़ा लूप चलाऊंगा नहीं, int x इज इक्वल टू 0, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 20, x++, और ये सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे और मेरा काम 20 बार हो जाएगा। ये करना तो कर सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे चल ही जाएगा मेरा, 20 बार जब हो जाएगा ये अपने आप रुक जाएगा। ये बहुत लंबा हो गया, अब आ देखो 20 बार मैंने टोटल कर दिया और कोड कितना लगा, इतना सा। सो दिस इज द लॉजिकल बेनिफिट ऑफ ऊप्स कंसेप्ट।